भोजपुर जिले के गजराजगंज ओपी थाना के मसाल टोला गांव में एक दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर डालने से अचानक इनकार कर दिया, जिससे लड़की पक्ष के लोगों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। इस घटना के बाद लड़की पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और दूल्हे समेत उसके भाई और बाप को बंधक बना लिया। इस घटना के बाद दुल्हन के सारे अरमान चकनाचूर हो गया। बाप भाई और माँ के रोने से पूरा माहौल गमगीन हो गया है। बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस बेटी का घर बसाने के लिए इतना खर्च और तैयारियां की गई तो वह धरे के धरे रह जाएंगे और ऐन वक्त पर दूल्हा मांग में सिंदूर डालने से इनकार कर देगा। चुप रहा, कोनो दिक्कत नहीं छे, है भइल जोन भइल का करेगे बा, शांति से रहा, है। इस संदर्भ में बताया जाता है कि लड़की के पिता ने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए गढ़हनी थाना क्षेत्र के रत्नागढ़ गांव निवासी राम सूरत राम के पुत्र अजय कुमार से शादी तय की थी, जिसका तिलक समारोह 5 तारीख को धूमधाम से हुई। लड़की के पिता अपनी औकात के अनुसार लड़के को तिलक के सामग्री समेत 21,000 रुपए नगद देकर तिलक की रस्म पूरी की। सभी कार्य खुशी खुशी चल रहे थे। लड़का पक्ष बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे, हालांकि बारात भी देर रात लगाई गई, जिसके बाद बारातियों का स्वागत व सत्कार किया गया। इसके बाद खुशी खुशी गुरहत्थी की रस्म भी पूरी हो गई। जब शादी का समय हुआ तब दूल्हे ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। जन्माष्टमी में ही उसने शादी करने से इनकार कर दिया। लोगों द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद दूल्हा शादी करने के लिए राजी हुआ। जब घर के आंगन में बने मंडप में दूल्हा दुल्हन पहुंचे और सिंदूरदान की रस्म शुरू हुई, तभी दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर डालने से इनकार कर दिया। दुल्हन के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब दूल्हे ने बताया कि हमारा संबंध अपनी भाभी से है, मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, उन्हीं को अपना पत्नी मानता हूं, जिसे सुन बाराती समेत दुल्हन के घर वाले सन्न रह गए। ना ब्याह तो होबे ना करियो, ब्याह खत्म हो जा, ये टीवी में दे देंगे। हुआ था ये बारात सब रेडी था, हम लोग का निमंत्रण था, यहाँ हम लोग आए थे यहाँ मसाज से। मसाज से आने के बाद दुआरे बारात वक्त लगा, उसके बाद दुआरे बारात लगा के हम लोग इज्जत किए, नाश्ता पानी सब कराए, उसके बाद थोड़ा देर बाद डीजे उजे करा दिए, गुरहत्थी होना चालू हुआ, गुरहत्थी भी हो गया। वो लड़का वाला कुछ लेके नहीं आए थे, उसके बाद नहीं लेके आए थे, तब भी हम लोग बोले कि चलिए जाने दीजिए, शादी ब्याह कॉल दिया जाए। उसके बाद 4 तारीख के तिलक था, ये पांचवा महीना 4 तारीख के 10 के बारात था। उसके बाद हम लोग गुरहत्थी के बाद लड़का बोलता है कि हम नहीं, हम भाभी के साथ रहते हैं, हम शादी करना नहीं चाहते। तो यदि ये चीज 15 दिन 20 दिन पहले वो बोल देता तो इस चीज झमेला नहीं होता। मारो सारो सब गड़ा गया, पुरोजन आ गया, 50 गांव के परिवार आ गया यहाँ, तो गांव के सामने तो बेइज्जती हुआ ना, है कि दलित परिवार से रहने वाले। अब क्या किए हैं आप लोग? उसके बाद लड़का पे, लड़का के भाई है, लड़का के पिताजी है, वो लोग का हम बोले कि आ जाने दीजिए थाना, थाना अभी तक नहीं आया, तो हम मीडिया लेके बुलवाए यहाँ कि मतलब देखा जाए कि क्या क्या हुआ है। तो पूरा समाज यहाँ इतना तो सब भरा हुआ है, तिलक भी जितना जो बोले जाओ हम लोग सब दे दिए उनको, टोटल चीज दे दिए, ना कि हम बोलते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते, हम भाभी के साथ रहो। इसके पहले नहीं कहा था कि हम भाभी के साथ ना, ये नहीं बोले थे। अच्छा, हाँ ये कुछ नहीं बोले थे। हम जब लोग हम लोग जान जाते कि भाभी के साथ रहेगा तो हम लोग शादी क्यों करते उसके साथ। तिलक भी चढ़ा लिया, लड़की एकदम उनसे अच्छा है, तो उसके बाद अपना लड़का वाला बेइज्जती कर दिया। क्या नाम आपका? सुबदार सर। महिलाओं द्वारा ढोलक के थाप पर गाए जा रहे पारंपरिक गीत थम गई, लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई। दुल्हन के हाथ में लगे मेहंदी के रंग फीके पड़ गए। इस घटना के बाद मौका देख अन्य बाराती भाग खड़े हुए, लेकिन दूल्हा व उसके बाप भाई भाग नहीं सके।
जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर बंधक बना लिया। इस मामले पर जब दूल्हे से बात की गई तब उसका कहना था कि लड़की मुझे पसंद नहीं है, मैं गांव के ही एक लड़की से प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। घर के लोगों के डर से कुछ नहीं कह सका। वहीं सूत्रों की माने तो दूल्हा व उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस देर तक भी मौके पर नहीं पहुंची, जिससे गांव के लोग आक्रोशित हो गए। शादी हम ठीक कहने नतरार में राम सूरत के पास, अच्छा सब ठीक ठाक हो गए, तिलक उलक सब चढ़ गए, मतलब कि शक्ति के अनुसार हम ज्यादा लड़नी यहू से अच्छा से आई हैं, अच्छा से हमरो द्वार पर आके स्वागत करी हैं, लेकिन सब कुछ भइल आ ये जो सब तैयारी भइल आइल लो तो 12 बजे के बादे आइल लो, आ ये फोन लागत रहे कि आवत नहीं तो वो 12 बजे गई, आ एक बाद में आइल लो तो धत पथत दरवाजा लगावल गई, गांव घर सब जुटल रहे, एक बाद में गांव घर सब लोग कहल कि दरवाजा लाग गई, एक बाद में बीजे करा दा सब खाना भी नुकसान हो जाई, एक बाद खाई के भोर हो जाई, सब कोई के खाना खियावल गई, एक बाद वहां के कहल कि चली गुरहाथी कर जा तो बीजे होता बरातो अपन खाए लागल भौजियो खाए लागल, एक बाद में गुरहाथी के बाद में ओहू लोग खिया देवल गई, एक बाद में लड़का के गई समयना में आदमी ले आवे खातिर नाऊ जो बारन ठाकुर गई ले आवे, एक बाद वजह से लड़का नाकुर नुक करत आई कि हम शादी करे ना जाए, एक बाद में कोट पाट के सब अथी माड़म तक ले आवल गई, माड़म ही तक ले ना कल शादी, एक बाद भोर हो गई बिहान हो गई, एक बाद जब सिंधुदान के वक्त है तो सिंधुदान में सिंधुदान के मेरी कहा था कि हम भौजाई को छोड़ के इनके पास हम ना जाए, हमारा उनका से प्रेम बा, हाँ भौजाई के साथ है राव, क्या नाम आपका? डोमन। डोमन बाती है, गलत है, तो क्यों नहीं शादी किया गया? अब जब इसको अब सब तो अभी शादी ब्याह इसका हो रहा है तो इसको रखने का मन है, अगर मतलब गलती से अगर शादी कर भी देते हैं, कहीं अगर शादी हो भी जाए, कहीं अगर कुछ अचानक हो जाए, इसका जिम्मा कौन बनेगा? तो इसके पहले नहीं समझ में आया था? मैं तो यहाँ पर रहता नहीं हूँ, पहली बात तो ठीक है, ये सब पास साइड शादी के बाद हुआ, सब सेटिंग पापा कर रहे थे, तो आप यहाँ नहीं रहते तो हो सकता है कि आपकी पत्नी इनके साथ संबंध? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, नहीं है ऐसा कुछ बात नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं होगा आप मेरे गांव में जा सकते हो, आप वहाँ भी ले सकते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देश राजकुमार। शादी करने का इसलिए मैं शादी करने नहीं आया। कौन पसंद नहीं है? लड़की मैं दूसरा जगह शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो कौन पसंद नहीं है? मैं अपने पसंद से शादी करूँगा। कहीं लड़की देखे थे अपना? प्रेम करते हैं कहीं? किससे? गाँव ही पे है, पहले से आप लोग का चल रहा है उसमें प्रेम प्रसंग? तो अपने पिताजी को घर वाले को नहीं बताए थे कि हम उससे शादी नहीं करेंगे? इसलिए नहीं बताया कि डांटने मारने लगेंगे इसीलिए। तो जब वो तिलक चढ़ने आया था आपका या तय तय पर हो रहा था तो उस वक्त कुछ नहीं किए कहे नहीं? उस लड़की उस दिन तो उठ गए थे तिलक के दिन। अच्छा, तो जबरदस्ती किया गया अलग? तिलक हम नहीं चाहेंगे। तब वो परिवार जबरदस्ती से करवा दिया? बोलिए, जबरदस्ती हो रहा है। अब क्या कीजिएगा? अब तो लड़के का अभी शादी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अभय।